हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। दोस्तों, आज ये JCB 3DX मशीन है, इसका ये हम बूम रैम का सिलकिट डालने वाले हैं क्योंकि उसमें से ऑयल बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा था, तो हम इसको अभी निकालने वाले हैं। ये देखिए, हमने इसका आगे का पिन निकाल लिया है, पीछे का भी निकाल के पाइप खोल लिया है, और ये दोनों पिन निकाल के अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ऐसे बेल्ट से इसको उठा के पकड़ के खींच सकते हैं, और इसको ऐसे बाहर खींच के यहाँ से आगे से पकड़ के ऐसा इसको आराम से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, इसे पकड़ के रखना है अच्छे से, पीछे से भी उसको बेल्ट से उठा के रखना है और आराम से ऐसा नीचे छोड़ देना है। ये देखिए, हमारा रैम बाहर निकल गया है। अभी पहले इसका हमें ऑयल निकाल लेना पड़ेगा। ये देखिए, पीछे पाइप में हमने यहाँ पे इसको उधर अपना ड्रम लगाया है और इसको खींच के ऑयल निकाल लिया पहले। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको लॉक कर देना है पीछे से टाइमी डाल के, टायर के नीचे फंसा के, और उसके बाद में पाइप रेंच की मदद से इसको ऐसे खोल लेना है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा टाइट है थोड़ा, तो हम इसको पाइप लगा के ऐसे उधर अटका के ऐसा दबा के इसको खींच लेंगे। ये देखिए, थोड़ा टाइट था दोस्तों, लेकिन ये देखिए ये खुल गया है। ये देखिए, फिर इसको ये छोटा पाइप रेंच से, अभी ये खुल गया है तो अभी ये छोटे पाइप रेंच से इसको घुमा के निकाल लेंगे। ये देखिए, अभी ये रॉड हमारा बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इसमें ऑयल आ रहा था थोड़ा, तो हमने इसको नीचे ये ऐसा इसको पकड़ के फिर निकाल लेना है बाहर। ये देखिए, ये थोड़ा टाइट ही निकल रहा है। हाँ, ये देखिए निकल गया, ये हमारा रॉड निकल चुका है। अभी इसको हम इसको भी खोल लेंगे। ये देखिए, इस पे एक यहाँ पे तार का लॉक लगा हुआ रहता है एलंकी के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे ये एलंकी आती है, इसको एलंकी को खोल लेना है। ये देखिए, ये एलंकी हमारी निकल चुकी है, उसके बाद में इसको चेक नट को खोल लेना है। ये देखिए, ये चेक नट को खोल के फिर ये चेक नट निकाल लेना है बाहर। ये चेक नट हमारा निकल चुका है, अभी ये हम आगे की ग्लैंड भी निकाल लेंगे। ये देखिए, ये आगे का पिस्टन भी हमारा निकल चुका है, अभी इसके हम सील निकाल लेंगे पहले। ये देखिए, पूरा सील इसका ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, ये पूरे टुकड़े टुकड़े हो चुका है पूरा सील। ये देखिए, मेन सील का पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है, एकदम कड़क हो चुका है। ये देखिए, ये पीछे का मेन पिस्टन का सील ऐसा कट करके भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो कड़क हो गया रहता है। ये देखिए, ये भी ऐसे ही निकालने वक्त टूट गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऊपर इसको कड़क वाली डस्ट सील आती है, तो उसको थोड़ा नीचे नीचे मारना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक तार का लॉक दिया हुआ रहता है, ये देखिए, ये पतला तार का लॉक है, उसको निकाल लेना है। उसके बाद हमें ये सील निकाल लेना है। ये देखिए, ये सील पूरा ख़राब हो चुका है, इसलिए निकल भी नहीं रहा है जल्दी। ये देखिए, ये पूरा टूट टूट के टुकड़ा निकल रहा है उसका। ये देखिए, ये देखिए, बहुत बुरी हालत हो चुकी है सील की, बहुत ही ख़राब हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए, इसको एक ओरिंग आती है, ये ओरिंग भी बदल लेना है। ये देखिए, हमने निकाल लिया है, अभी अभी हम नया सील डाल लेंगे इसमें पूरा। ये देखिए, अभी हम ये मेन सील बिठा रहे हैं, ये मेन सील को पहले बिठा लेना है। ये देखिए, हमारा मेन सील बैठ चुका है, ये देखिए प्रॉपर बैठ गया है। उसके बाद हमारा ये ऊपर का डस्ट सील बिठा लेंगे, इसको थोड़ा ठोक के बिठाना पड़ता है क्योंकि ये पतरे का आता है। ये देखिए, इसको ऐसा पट्टी पाना रख के ठोक सकते हैं, ऐसा ठोक के इसको बिठा लेना है। ये बैठ जाने के बाद ये देखिए, ऊपर से इसको ये तार का लॉक आता है छोटा पतला सा, ये ऐसा हाथों से ही दबा के बैठ जाता है। ये देखिए, ऐसे दबा के इसको बिठा लेना है, ये बैठ चुका है। ये पीछे की ओरिंग भी बिठा लेना है। काउंटर अगर अच्छी हो तो बदलने की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों, उसकी काउंटर अच्छी थी इसलिए हमने काउंटर नहीं बदला है उसका। अगर काउंटर अच्छी हो तो नहीं बदलने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद हम ये अभी इधर का भी सील बिठा लेंगे, ये पीछे के पिस्टन का। ये देखिए, इसको ऐसा कुछ भी रस्सी लेके या फिर कुछ भी ऐसे लेके इसको दबा के ऐसे बिठा सकते हैं। ये देखिए, इसको ऐसा ये रस्सी की मदद से हम इसको बिठा रहे हैं। ये देखिए, ये रस्सी से इसको ऐसा दबा के बिठा लेना है।
ये बैठने के बाद में थोड़ी लूज हो जाती है, क्योंकि ये देखिए हमने तान के बिठाना पड़ता है, इसलिए इसको थोड़ा रिंग कॉम्प्रेशर से दबा सकते हैं, थोड़ा दबा ही लेना है, क्योंकि अगर वो लूज रहेगी वैसे अगर हम बिठाने जाएंगे तो सील कट हो सकती है, तो इसको रिंग कॉम्प्रेशर से दबा लेना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, अच्छे से बैठ जाए और बिठाते वक्त टूटे नहीं। अभी यदि देखिए दोस्तों इस पर ऑयल लगा लेना है, रॉड पे भी थोड़ा और ऑयल सील पे भी थोड़ा ऑयल लगा लेना है। ये थोड़ा टाइट है, अभी नया सील है तो इसको उठा के ऐसा थोड़ा पटकेंगे, ये देखिए चला गया। उसके बाद अभी ये देखिए टायर के नीचे इसको लॉक कर लेंगे और अभी ये पिस्टन भी हम लगा लेंगे। ये देखिए ये पिस्टन भी हमारा, इसको लगा के टाइट कर लेंगे। ये देखिए पाइप रेंच से, पहले हम इसको छोटे पाइप रेंच से ही टच कर लेंगे पूरा। ये देखिए ये अभी टच हो चुका है, तो अभी हम इसको बड़ा वाला पाइप रेंच लेके पाइप लगा के दबा लेंगे। ये देखिए ऐसे इसको फुल टाइट कर लेना है अच्छे से। ये देखिए ये टाइट हो चुका है। अभी पहले हम इसको ये एलंग की बोल्ट लगा के टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये एलंग की बोल्ट लगा के हमारा ये एलंग की बोल्ट टाइट हो चुका है। अभी उसके ऊपर से हमें लॉक दिया हुआ रहता है तार का, ये लॉक को बिठा लेना है। ये देखिए ऐसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बिठा सकते हैं। ये देखिए ये लॉक भी हमारा बैठ चुका है। अभी हम ये इसके बेल्ट लगा लेंगे। ये देखिए दोनों बेल्ट लगा लेना है और उसको ऑयल लगा के फिर इसमें अंदर भी ट्यूब में भी थोड़ा ऑयल लगा लेना है ताकि बिठाते वक्त सील कटे नहीं, आसानी से चले जाए अंदर। ये देखिए दोस्तों अभी सील नया है तो एकदम से ऐसे जाता नहीं है, टाइट बैठता है, तो इसको ऐसा सीधा सीधा पकड़ के पीछे से थोड़ा हथौड़ी से मार सकते हैं। और ये यहाँ पे भी ओरिंग पे ऑयल लगा लेना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों इसको ऐसा घुमा के बिठा सकते हैं। ये देखिए हमारे थ्रेड लग चुके हैं, तो इसको घुमा के भी टाइट कर लेंगे थोड़ा, और फिर इसको पाइप रेंच की मदद से अच्छे से फुल टाइट मार लेना है। ये देखिए पाइप लगा के हमने इसको अच्छे से टाइट करके ऐसे दबा लिया है। ये देखिए ये अभी हमारा चेकनट टाइट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ पे थोड़ा सा लॉक कर लेना है ताकि चेकनट लूज होना नहीं चाहिए। उसके बाद अभी हम इसको फिट कर लेंगे। ये उठा के ऊपर रख लिया है हमने, अभी इसका होल मैच कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों इधर से टामी डाल के इसका होल मैच कर लेंगे और उधर से पिन डाल लेंगे। ये देखिए ये साइड से टामी से इसको मैच कर लिया होल। ये देखिए इसको पकड़ के रखेंगे, मैच करेंगे और उधर से पिन डाल लेंगे। ये देखिए ये हमारी पिन आ चुकी है। ये देखिए अभी इधर से ये होल मैच करके इसको ठोक लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा इधर उधर होगा तो उसको एडजस्ट करके नट बोल्ट लगा लेंगे। ये देखिए हमारा नट बोल्ट लग चुका है। उसके बाद पाइप लगा लेंगे। ये देखिए हमारा पाइप लग चुका है इधर का, अभी हम दूसरा पाइप भी लगा लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।